नमस्कार, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख वाक्य और उसके भेदों के साथ। तो चलिए जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा क्रम जो पूर्ण अर्थ रखता हो वाक्य कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में जानते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिसके द्वारा किसी विचार अथवा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति हो वाक्य कहलाता है। ये थी वाक्य की परिभाषा। अब देखते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद हम पढ़ेंगे, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन और भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में जानते हैं। जैसे कि उसके नाम से ही लग रहा है कि सरल वाक्य यानी कि बहुत ही सिंपल वाक्य जो कि सिर्फ एक ही वाक्य हो। और संयुक्त वाक्य उसके नाम से लग रहा है कि संयुक्त का मतलब होता है कि मिलजुल कर बना हुआ वाक्य, यानी कि दो वाक्यों के साथ या दो से अधिक वाक्यों के साथ जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का अर्थ होता है कि बहुत सारे वाक्य मिलकर के मिक्स हो गए हों, जैसे मिश्र वाक्य बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात जिसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गुड्डू नागिन डांस कर रहा है, इसमें एक ही क्रिया है करना, डांस कर रहा है तो मुख्य क्रिया है करना, तो एक क्रिया है और एक ही करता है, तो इसमें इसको हम सरल वाक्य कहेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे सरल वाक्य का एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे भारत ने सार्थक को चॉकलेट दी, इसमें भी एक ही क्रिया है देना, चॉकलेट दी, देना मुख्य क्रिया है, इसलिए इसमें एक ही क्रिया है, एक ही करता है, एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य, जब दो सरल वाक्य या एक सरल और एक मिश्र वाक्य आपस में जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको एक और प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जब दो वाक्य समानता के आधार पर समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द आप जानते हैं, इसलिए और तथापि किंतु परंतु, ये संयुक्त समुच्चय बोधक शब्द है। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो जानते हैं इसका प्रयोग, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सत्या आया किंतु अनुजा चली गई, सत्य आया एक वाक्य है किंतु अनुजा चली गई, इन दोनों वाक्यों के बीच में किंतु शब्द ने जोड़ा है, ये समुच्चय बोधक शब्द है, तो किंतु से ये दोनों वाक्य बीच में जुड़ गए हैं। इस प्रकार से संयुक्त वाक्यों का निर्माण होता है। अब देखते हैं आगे हम मिश्र वाक्य, जो एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें स्वतंत्र पद आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है, एक मेन उपवाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है पहले वाले वाक्य पर, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे ये जो शब्द होते हैं मिश्र वाक्य, इसमें वाक्य में शर्तनुमा होते हैं। इसको पहचानने का एक और अच्छा तरीका है कि इसमें शर्त होती है, शर्तनुमा वाक्य होते हैं। और अगर वाक्य को जोड़ने के लिए, क्योंकि, अगर, हालांकि, पहले, तब, तक, कब, जो, की, जब आदि शब्दों का उपयोग हो तो वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ इतनी गंदगी है कि सांस लेना कठिन है, यहाँ इतनी गंदगी है कि सांस लेना कठिन है, तो यहाँ पर मुख्य आया शब्दों वाक्य को जो जोड़ रहा है वो है कि। तो ये थे रचना के आधार पर वाक्य भेद।
अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, निषेधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य भी कह सकते हैं, संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य भी कहेंगे, संकेतार्थक वाक्य या संदेहवाचक और संकेतवाचक और संदेहवाचक, और आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे नमन पढ़ता है, कुछ काम हो रहा है, नमन पढ़ रहा है, विदुषी पत्र लिखती है, यानी कुछ काम होना पाया जाए वो विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अगला है निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी विषय के अभाव का पता चले वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जयश्री नित्य मंदिर नहीं जाती, यानी कि नहीं का प्रयोग हो जिन वाक्यों में वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हों या प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या आप कल प्रदर्शनी देखने जाओगे, क्या तुम कल सपरिवार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा उपदेश या आदेश देने का बोध हो वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मुझे एक फूल दो, या फिर दूसरा इन्हें ठंडी लस्सी पिलाओ, इसमें आज्ञा देने का भाव है। अगला देखते हैं पांचवा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध हो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे प्रभु तुम्हें अटल सुहाग प्राप्त करें, मेरी अभिलाषा है कि तुम भी श्रेष्ठता का प्रमाण दो, तो ये होते हैं इच्छावाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना का बोध हो वह संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संदेह माने शंका, जैसे रक्षा मुझे भूल चुकी होगी, विशाल ने मेरा काम नहीं किया होगा, शक या संदेह हो रहा है इन वाक्यों के माध्यम से, तो ये है संदेहवाचक वाक्य। सातवां अगला देखते हैं, सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी, यह है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण। अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय के भाव का बोध हो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अह कितना सुहावना मौसम है, या दूसरा वाक्य देखते हैं बाप रे बाप इतना बड़ा हादसा, तो इस प्रकार से वाक्य भेद हमने पढ़े आज, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आप सभी बच्चे वाक्य पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद आप इससे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।